नीरज ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि किसी ने उसके पूरे घर को खराब कर दिया है, जबकि वो तो घर को लॉक करके गया था। चाबी भी उसी के पास है। तभी नीरज वहाँ रखे हुए सारे सामान को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि घर में शायद घोस्ट है। कैसे लॉजिकल आदमी, नीरज ने ऐसा क्या देखा कि उसे लगा घर में घोस्ट है? क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं? सीन को ध्यान से देखिए, रूम में तीन तोते हैं, लेकिन सिर्फ दो तोतों की ही परछाई दिख रही है। मतलब एक तोता घोस्ट है, घोस्ट ने तोते का रूप ले लिया है। नीरज कुछ करता उसके पहले ही वहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। नीरज बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही अजतक उस शटर को कॉल लगा देता है। सर, मुझे घर में तीन तोते दिखाई दिए, मेरे घर में दो ही तोते थे और उनमें से एक की परछाई भी नहीं बन रही है। नीरज इतना बताते ही कॉल रख देता है और कहीं छुप जाता है। वाह, तोते वाला भूत, मजा आएगा। यश अपनी सुपर बाइक लेता है और हवा में उड़ता हुआ नीरज के घर के लिए निकल जाता है। यश नीरज के एरिया में पहुंच जाता है। उसे प्यास लगती है तो वो पानी के लिए रुकता है, लेकिन यश की बहुत जोरों से आवाज करने लगती है। यश आसपास देखता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए भूत कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। पानी की इन तीन तोटियों को ध्यान से देखिए, दो में से पानी टपक रहा है लेकिन एक से खून टपक रहा है। हो ना हो इसके अंदर भूत छुपा हुआ है। यश अपनी गन बाहर निकालता है तो घोस्ट बाहर आ जाता है। घोस्ट हमला करता है, उससे पहले ही यश उसे पकड़ लेता है। अब तो भूत मुझे चैन से पानी भी नहीं पीने देते। लॉजिकल आर्मी, ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। यश वहां से बाइक लेता है और नीरज के घर पहुंच जाता है। यश की घड़ी में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। लगता है भूत यहाँ से भाग गया है। लॉजिकल आदमी, यश को ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्या देख लिया यश ने? ध्यान से सीन को देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नीरज ने बताया था कि तीन तोते दिख रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ दो तोते दिख रहे हैं। मतलब वो भूत यहाँ से चला गया है। यश घर में नीरज को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते यश टेरेस पे पहुंच जाता है। यश के कान भी बड़े तेज है, उसे किसी की हार्ट बीट सुनाई देती है। लगता है यहाँ कोई है। यश यहाँ वहाँ देखता है और समझ जाता है कि टेरेस पे कौन है और कहाँ है। क्या भी सीन को देख के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? यहाँ देखिए बिल्ली के पैरों के निशान बने हुए हैं और सिर्फ एक तरफ के निशान है। मतलब बिल्ली गई तो है लेकिन वापस आई नहीं है, वो वहाँ छुपी हुई है। और यश की वॉच में सिग्नल भी नहीं आ रहा है, मतलब घोस्ट तो नहीं है। तभी यश को बिल्ली की पूंछ भी दिख जाती है। उतने में वो बिल्ली वहाँ से बाहर निकलती है और यश के ऊपर जोरदार छलांग लगाती है। यश आराम से नीचे गिर जाता है। अरे ये बिल्ली परेशान कर दी। तभी यश को नीचे से शोर सुनाई देता है और यश घर से बाहर आ जाता है तो देखता है कि नीरज का पड़ोसी जोरों से चिल्ला रहा है, चोर 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 पकड़ो पकड़ो। यश तुरंत उसके घर में चला जाता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है। यहाँ कोई चोर नहीं था बल्कि यहाँ पे तो भूत आया था। क्यों लॉजिकल आर्मी, यश को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ चोर नहीं बल्कि कोई भूत आया था? यश जब रूम में गया था तो उसने देखा था कि रूम बिल्कुल नीरज के रूम जैसा फैला हुआ है और छत की तरफ देखिए वहाँ किसी के हाथों के निशान है, जो किसी इंसान को बनाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वो भूत यहाँ से जा चुका है क्योंकि यश की वॉच कोई सिग्नल नहीं दे रही थी। यश घर से बाहर आ जाता है कि तभी घर से वापस आवाज आने लगती है। यश समझ जाता है कि घोस्ट वापस आ गया है। यश की वॉच भी सिग्नल देने लगी थी। यश तुरंत उस घर के अंदर जाता है लेकिन तभी वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर घोस्ट यश को मारने लगता है। घोस्ट यश को हवा उठाकर दीवार पर फेंक देता है। यश की गन भी नीचे गिर जाती है। यश किसी तरह खड़ा हो जाता है और अपने पॉकेट से फायर बॉम्ब निकाल के रूम में यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। घोस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। मौका देखते ही यश अपनी गन वापस उठा लेता है और रूम में धुआं भी गायब हो जाता है। और यश की वॉच अभी भी सिग्नल दे रही थी, मतलब घोस्ट अभी भी रूम में ही है। यश यहाँ वहाँ देखता है और समझ जाता है कि घोस्ट कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं घोस्ट कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से ढूंढिए लॉजिकल आर्मी। यश घर में देखता है कि टीवी तो ऑन है लेकिन उसका प्लग तो लगा ही नहीं है, यानी घोस्ट टीवी के अंदर छुपा हुआ है। यश तुरंत अपनी गन को टीवी की तरफ करता है। घोस्ट टीवी से बाहर आ जाता है और यश को एक किक करके गिरा देता है और वहां से भाग जाता है।
यश तुरंत उठता है और उस घोस्ट के पीछे पीछे भागने लगता है। यश देखता है कि घोस्ट एक पार्क के अंदर चला गया है। यश भी उसके पीछे पीछे पार्क के अंदर चला जाता है तो उसे वहाँ चार लोग दिखाई देते हैं। यश चारों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनमें कौन घोस्ट है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? इस आदमी को ध्यान से देखिए जो बेंच पे बैठा हुआ है। उसके पैर उल्टे हैं और उल्टे पैर तो सिर्फ घोस्ट के ही हो सकते हैं। यश तुरंत से उसकी तरफ भागता है लेकिन वो घोस्ट यश को आते हुए देख लेता है और वहां से भागते हुए एक घर के अंदर घुस जाता है। यश भी उस घोस्ट के पीछे घर के अंदर चले जाता है लेकिन घर में घोस्ट नहीं था और यश की आवाज कोई सिग्नल भी नहीं दे रही थी। घर के पास कोई दूसरा घर भी नहीं था। इतने कम वक्त में घोस्ट कहाँ गायब हो क्या? यश उस घर को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि घोस्ट कहाँ गायब हुआ है। यश उस घर में ऐसी चीज देखता है जो उसने पहले दो घरों में भी देखा था। क्या है वो चीज? क्या आप तीनों घरों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी वो चीज क्या हो सकती है? सोचिए सोचिए। यश उस घर में वही पेंटिंग देखता है जो नीरज के घर में और उसके पड़ोसी के घर में भी थी और यहाँ भी है। यश समझ जाता है कि इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ होगी। यश पेंटिंग के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है तो यश का हाथ पेंटिंग के अंदर चला जाता है। वाह, ये पेंटिंग तो खुफिया रास्ता है, इसलिए घोस्ट मुझे मिलते नहीं थे और मेरी वॉच सिग्नल नहीं देती थी। यश पेंटिंग के अंदर अपना फेस डालता है तो वो पेंटिंग के अंदर चला जाता है। पेंटिंग के अंदर से उसे नीरज का घर दिख रहा था। यश पेंटिंग से नीरज के घर में आ जाता है। अभी अचानक घोस्ट अपनी पूरी ताकत से यश पर हमला कर देता है जिससे यश की गन दूर जाके गिरती है और लड़ाई की आवाज सुनकर नीरज भी भागते हुए घर के अंदर आ जाता है। लेकिन अंदर आके वो देखता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो यश खड़े हैं। अब नीरज के पास में ही गन थी लेकिन वो गन उठा के किसे देगा, ए को या बी को? असली यश कौन सा है? पहला यश कहता है, नीरज मैं हूँ असली यश, ये तो घोस्ट है, फायर कर दो इस पे। और दूसरा यश कहता है, ये है नकली, कैद कर लो नीरज इसे। नीरज समझ नहीं पा रहा था कि कौन असली यश है। तभी उसे समझ जाता है कि असली यश कौन सा है। उसे कैसे समझ गया असली यश कौन सा है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? असली यश वो है जिसके राइट हैंड में वॉच है जबकि घोस्ट ने वॉच नहीं पहनी हुई है। यश हमेशा अपनी वॉच पहन के रखता है। नीरज तुरंत अपनी गन यश की तरफ फेंक देता है। यश तुरंत अपनी गन लेता है और फायर करके उस पेंटिंग वाले घोस्ट को कैद कर लेता है और उसे ले जाकर अपने घोस्ट स्थान में रख देता है और सो जाता है।